यूपी के कौशाम्बी जिले में कार चालक का अपहरण और उसके साथ लूट की घटना से कौशाम्बी पुलिस में हड़कंप मच गया। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश कार चालक को नेशनल हाईवे के किनारे फेंककर फरार हो गए। कार चालक ने इसकी सूचना डायल 112 को दी। सूची पर पहुंची पुलिस चालक को थाने ले जाकर पूछताछ कर रही है। घटना की सूचना पर एसपी कौशाम्बी, आईजी जोन प्रयागराज एवं एडीजी प्रयागराज पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना कोखराज थाना क्षेत्र के ककोड़ा के पास की है, जहां वाराणसी से कार चालक एक्सयूवी कार लेकर निकला था, जिसे कोखराज थाना क्षेत्र में देर रात लगभग 1 बजे कुछ बदमाशों ने रोक लिया और उसे लूटकर हाईवे के किनारे फेंक दिया। बदहवास कार चालक ने डायल 112 को घटना की सूचना दी। अपहरण और लूट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। कोखराज थाना क्षेत्र में अपहरण और लूट की सूचना पर एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश, प्रयागराज जोन आईजी राकेश सिंह, एसपी हेमराज मीणा ने भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और कोखराज थाने में मौजूद कार चालक से पूछताछ की। एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश ने बताया कि कार चालक के साथ अपहरण और लूट की घटना हुई है। लूट कितने की है इसकी पूछताछ कार चालक से की जा रही है। कार के मालिक के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। कार मालिक की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। ये रात्रि में 112 पर एक सूचना आई थी कि ये किडनैपिंग हुई है, जिसमें ड्राइवर को ले जाया गया है। तो रात में वहाँ गाड़ियाँ पहुँची, कोखराज की गाड़ी भी गई और 112 की गाड़ी गई। उसमें जो नंबर दिया हुआ था उससे ट्रेस किया तो जो ड्राइवर हैं उनकी बरामदगी हो गई है। अभी उनसे पूछताछ चल रही है। उनका कहना है कि उनके साथ लूटपाट की घटना हुई है, लेकिन उनका जो मालिक है उसको बुलाया जा रहा है। तो उनके द्वारा अभी तक कोई ना तहरीर दी है और अभी वो पहुंचे भी नहीं है, तो उसका इंतजार किया जा रहा है। सर सूत्र बता रहे हैं करोड़ों की लूट है, लूट कितने की लगभग? अभी इस तरह की लूट की बात बताई नहीं। अभी ड्राइवर्स जो यहाँ से लेकर चले हैं इनके पास इस तरह का कोई, उनके मालिक से अभी बातचीत की जा रही है। वो जैसे ही आ जाएंगे जो तहरीर देंगे उसके आधार पर। सर कोई मालिक का भी उन्होंने अपना कोई छता पता बताया नहीं। इनका कहना कि वाराणसी से वो चले थे, वाराणसी में इनका दफ्तर है और जो गाड़ी इनकी थी वो गाड़ी प्रयागराज में रजिस्टर्ड है। पकड़े गए? अभी पकड़ा कोई नहीं गया, अभी केवल जो किडनैपिंग जिसकी बात हुई थी उसको बरामद कर लिया गया।